वन परिक्षेत्र में पकड़ाए चार शिकारी, जिंदा तीतर समेत सामग्री जब्त। वन प्राणियों के शिकार करने के हथियार समेत बड़ी मात्रा में मांस भी जब्त। प्रशासन को कई दिन से थी शिकारियों की सूचना, योजना बनाकर शिकारियों को पकड़ा। आरोपियों पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध। जी हां, पिछले कई दिनों से जिला प्रशासन को सूचना थी कि कोलहार एवं आसपास के क्षेत्र में शिकारी वन परिक्षेत्र में विचरण कर रहे हैं व प्राणियों का शिकार कर रहे हैं। कलेक्टर पंकज जैन ने इसकी सूचना बासोदा एसडीएम राजेश मेहता को दी। मेहता ने वन परिक्षेत्र के रेंजर को शिकारियों को पकड़ने के लिए निर्देशित किया, जिसके बाद वन अमले ने कोलहार परिक्षेत्र में शिकारियों को ढूंढना प्रारंभ किया। लेकिन शिकारी एक स्थान पर नहीं रहते थे, ये निरंतर स्थान बदलते रहते थे, इसलिए वन विभाग की टीम को इन्हें पकड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। फिर मुखबिर की सूचना के आधार पर ग्राम छुलेहटा में वन विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई की, जिसमें चार शिकारी शिकार के सामान सहित सूखा एवं गीला मांस बड़ी मात्रा में जब्त किया गया है। वन विभाग द्वारा आरोपियों पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर आगामी कार्रवाई की जा रही है। इंडिया खबर लाइव के लिए गंज वासुदा से एलएन चौबे की एक रिपोर्ट। मामला विभिन्न पेपरों में जो छपा था उसकी कटिंग के आधार पर माननीय कलेक्टर साहब श्री पंकज जैन साहब के निर्देशन में श्री एसडीएम हमारे राजेश मेहता जी एवं मेरे द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई की गई। तो ग्राम चुलहटा में चार आरोपियों को पकड़ा है। उनके पास से कुछ सुअर का मांस, 2 किलो सूखा, 1 किलो गीला एवं 2 बल्लम, 3 तीतर जो हैं जीवित मिले हैं, पिंजरों में कैद हैं और 1 पिंजरा खाली है। आरोपी में अजय देवांगन एवं 3 अन्य आरोपी हैं जो कि विभिन्न जिलों के हैं। 2 आरोपी सागर जिले के हैं, 1 आरोपी ललितपुर का है, 1 आरोपी राजगढ़ जिले का है। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत कार्रवाई की गई है। प्रकरण जारी कर प्रकरण विवेचना में निरंतर अभियान चलेगा। अभियान चलाने में हमारे जो साथी रहे प्रशिक्षु रेंज अफसर श्री विवेक जैन एवं बलराम पंथी डिप्टी रेंजर अपना अहिरवार रामकृष्ण अहिरवार बनपाल और पूरा रेंज का स्टाफ।